चल इसी के साथ रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर जो भोपाल से आ रही है। प्रदेश में 15 दिन में 1852 लोग गायब, 211 मिले, 1661 अभी भी लापता हैं। भोपाल में 15 दिन में 111 लोग गायब हुए हैं, अब तक 35 मिल चुके हैं, इनमें से 29 लड़कियां हैं। ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुमशुदा की तलाश की जा रही, यह अभियान 31 जनवरी तक प्रदेश भर में चलाया जाएगा। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता अंकुर जी की ओर। अंकुर जी, प्रदेश में 15 दिन में कुल 1852 लोग गायब हो चुके हैं, तो वहीं भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल में 15 दिन में कुल 111 लोग गायब हुए हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी है? ये बड़ी चिंता की बात है निश्चित तौर पर किसी भी प्रदेश के लिए कि लगातार लोग गायब हो रहे हैं, खासतौर पर अपने प्रदेश में मध्य प्रदेश में पिछले 15 दिनों में 1852 लोग गायब हुए हैं और मात्र उनमें से 211 लोग ही वापस लौटे हैं। पुलिस उन्हें ढूंढ पाई निश्चित तौर पर 1661 लोग अब भी लापता है। एक बड़ी चिंता की बात है, लगातार लोगों के लापता होने से निश्चित तौर पर एक प्रदेश के लिए कह सकते हैं धब्बा लगने वाली बात है, खासतौर पर जब लड़कियां गायब होती है। अगर भोपाल में बात करें तो 15 दिन में 111 लोग गायब है और अब तक मात्र 35 लोग मिले हैं, इनमें से 29 लड़कियां हैं। इनको भले ही आप पुलिस ऑपरेशन मुस्कान के तहत तलाश कर रही है और 31 जनवरी तक ये ऑपरेशन मुस्कान चलेगा, लेकिन निश्चित तौर पर कहेंगे कि लगातार लोग गायब हो रहे हैं, या तो कहें कि वो लापता होकर अपने मन से कहीं जा रहे हैं, या उनका अपहरण हो रहा है, या उनको कोई बहला फुसला कर ले जा रहा है। निश्चित तौर पर पुलिस को इसमें एक सघन ऑपरेशन चलाना चाहिए, ऑपरेशन मुस्कान तो है, लेकिन लगातार इस तरह से लोगों के गायब होने की वजह भी तलाशनी चाहिए कि आखिर लोग कहाँ गायब हो रहे हैं, किन वजह से गायब हो रहे हैं, क्या लोगों को बहला फुसला कर ले जाया जा रहा है, या फिर खासतौर पर जब लड़कियां गायब हो रही तो उसके पीछे क्या कारण है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों एक कार्यक्रम के दौरान ये कहा भी था कि अगर कोई भी बच्ची या कोई भी बेटी या कोई भी मध्य प्रदेश की महिला अगर कहीं बाहर रोजगार के लिए भी जाती है तो बाकायदा उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसके बाद वह जा पाएगी। लेकिन उसके बाद भी ये देखने में आ रहा है कि लगातार मध्य प्रदेश से चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो लगातार गायब हो रहे हैं, और खासतौर पर जब लड़कियां गायब होती है तो एक निश्चित तौर पर चिंता की बात होती है। और फिलहाल अब इसके लिए ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया है, अब देखना होगा कितने लोगों को पुलिस इसमें तलाश कर पाती है। जी अंकुर जी बिल्कुल, 15 दिन में 1852 एक बड़ा आंकड़ा है जो कि गायब लोगों का है कि 15 दिन में प्रदेश में 1800 कुल 52 लोग गायब हुए हैं, तो वहीं अगर भोपाल में 111 लोग 15 दिन में गायब होना ये भी बहुत बड़ा आंकड़ा है, जिसमें से अब तक 35 मिल चुके हैं और 29 उनमें से 29 की संख्या जो है लड़कियों की है। पुलिस की प्रशासन की इसको लेकर क्या कार्रवाई है, चूंकि ये एक बड़ा आंकड़ा है? निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के लिए और भोपाल के लिए एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग गायब हो रहे हैं। गायब हो रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, और खासतौर पर जब लड़कियां गायब हो रही हैं तो कहाँ गए, उनका अपहरण हुआ है, उनको बहला फुसला कर कोई ले गया है, या अपने मन से कहीं वो गई हैं। निश्चित तौर पर एक इसके लिए एक पूरी टीम बनाकर जाँच की जाना चाहिए। पुलिस अपना काम कर तो रही है, लेकिन जितनी सजगता के साथ पुलिस को काम करना चाहिए, क्योंकि जब लोग लापता होते हैं तो उनके परिवार जल पुलिस में रिपोर्ट डालने जाते हैं, तो पुलिस कहती है कि कम से कम 24 घंटे तक इंतजार करो, 24 घंटे के बाद रिपोर्ट लिखी जाएगी। लेकिन ऐसे में देखने में आता है जब 24 घंटे बाद भी कोई नहीं लौटता है तो फिर उसके बाद पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है, तब तक 24 घंटे बहुत ज्यादा समय हो जाता है। 24 घंटे में आदमी कह सकते हैं कि भारत के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच सकता है। ऐसे में अगर कोई अपहरण भी करता है तो अगर तुरंत अगर पुलिस कार्रवाई करे तो निश्चित तौर पर उसको तलाश भी की जा सकती है, लेकिन ये लंबा समय होता है। इसमें पुलिस को अपनी कार्य प्रणाली में थोड़ा सा इसमें बदलाव करने की जरूरत है कि अगर किसी को कोई गायब होता है, खासतौर पर लड़कियां गायब होती हैं, तो अगर उनके परिजन उसकी शिकायत करते हैं तो उनकी तलाश तुरंत की जाना चाहिए। जी प्रदेश सरकार की तरफ से गुमशुदा लोगों के लिए ऑपरेशन मुस्कान अभियान चलाया गया है, प्रदेश में 31 जनवरी तक ये अभियान जारी रहेगा, चलता रहेगा। इस अभियान को लेकर क्या कुछ अधिक जानकारी है, कैसा चल रहा है अभी अभियान?
निश्चित तौर पर सरकार कोई अभियान चलाती है, प्रदेश सरकार, तो उसका उद्देश्य ये होता है कि जो गुमशुदा लोग हैं, खासतौर पर लड़कियां हैं, उनकी तलाश की जाए। ऐसे के लिए ये ऑपरेशन मुस्कान चलाया जाता है, इसलिए इस अभियान तो ये चल रहा है। लेकिन जिस तरह से इस ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस प्रशासन को काम करना चाहिए, उस तरह से काम नहीं कर रही है। इसी का नतीजा है कि जो रिकवरी रेट है, जो लोग जो गायब जिस बड़ी संख्या में हो रहे हैं, उस संख्या में वापस लोग लौट नहीं रहे हैं। आपको बता दूं कि 1800 कुछ लोग गायब हुए हैं और मात्र 200 कुछ लोग वापस मिले हैं। 1600 लोग अभी भी प्रदेश से गायब हैं। 29 लड़कियां इनमें भोपाल की शामिल हैं। निश्चित तौर पर कहेंगे भोपाल में 111 लोग गायब हुए थे, मात्र 35 लोग मिले हैं। तो रिकवरी रेट है वो ठीक नहीं, इसलिए ऑपरेशन मुस्कान का कोई बहुत ज्यादा सार्थक महत्व देखने को नहीं मिल पा रहा। जी अंकुर जी, बने रहिएगा आपके पास, फिर लौटेंगे। प्रदेश में 15 दिन में 1852 लोग गायब हुए, जिनमें से 211 भी मिले हैं, 1661 अभी भी गायब हैं। तो वहीं भोपाल में 111 लोग गायब हो चुके हैं, जिनमें से अभी तक 35 मिले हैं, 29 इनमें से लड़कियां शामिल है, बाकी अभी भी गायब है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुमशुदा की तलाश की जा रही है। 31 जनवरी तक प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा।